Hi guys, how are you? So this is TechDawz and finally MIUI new security has been updated. यार इस सिक्योरिटी में बहुत सी चीज़ें न्यू आई हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा एक और चैनल है जिसमें लिखा हुआ है TechDawz Vlog, यू कैन सी दैट। इसको भी जाकर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह आएंगे। इस चैनल को प्रॉपर मैंने टेक का चैनल बना दिया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ऑन बोथ चैनल। सो सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो यहाँ पे सेवरल न्यू फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो ये देखें जरा कॉमन फीचर्स, पॉपुलर फीचर्स। सो कॉमन फीचर्स की अगर एडिटिंग में जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास क्लीनर देखने को मिलता है जिसमें हमारे पास फेसबुक क्लीनर, व्हाट्सएप क्लीनर, क्लियर ऐप डाटा, डिलीट फोटोज, उसके बाद प्राइवेसी प्रोटेक्शन में हाइड ऐप्स प्राइवेसी। इसके अलावा जो है कॉमन फीचर्स में आप खुद अपना यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एडजस्ट किया हुआ था टू फॉर लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पे गेम टर्बो लगाता हूँ, ड्यूल टैब लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्लीनर हो गया, फेसबुक क्लीनर तो नहीं लेकिन हाइड ऐप और ऐप लॉक, और उसके अलावा जो लास्ट वन है सॉल्व प्रॉब्लम और ब्लॉक लिस्ट भी आप लगा सकते हैं। इसको ओके किया तो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा बूस्ट स्पीड और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं। अच्छा इसके अलावा भी बहुत सी काफ़ी सारी फ़ोनों में ना चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि अगर आप बैटरी में जाएंगे, यहाँ पे वैसे तो मेरी बैटरी जो टाइमिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फोन्स में आपको अवेलेबल होगा लेकिन मी 10 में, मेरे पास मी 10 है उसमें अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन। उसके अलावा अगर सिक्योरिटी की और बात करें तो हमारे पास विजिट जो हैं वो तकरीबन वही देखने को मिलते हैं। ये देखिए ज़रा अगर मैं आपको विजिट दिखाता हूँ तो हमें वही सेम विजिट्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे पास क्लॉक वगैरह सब वही चीज़ें हैं। हाँ कुछ थीम्स वगैरह हैं जिनमें काफ़ी सारी विजिट्स जो हैं इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं मैं अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके अलावा यहां पे और हमें ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी में जाएँ और बात करें हम गेम टर्बो की तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम गेम टर्बो में जाते हैं तो गेम टर्बो इस तरह खुलता है, ठीक है। अच्छा गेम टर्बो में हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट गेम्स मिल जाती हैं। लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पे मैं जाता हूँ पबजी मोबाइल फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर पबजी मोबाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पे कस्टम में जाते हैं। अब कस्टम में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खुद कस्टम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे प्राइवेसी में हमें देखने को मिले हैं, ऑप्टिमाइजेशन में भी देखने को मिले हैं। अगर हम इसको करते हैं स्टार्ट प्ले और यहाँ से हम गेम टर्बो निकालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बूस्ट की भी ऑप्शन आ गई, जो कि लाइव 90 FPS दिखाती है एंड देन क्लियर मेमोरी वगैरह। अच्छा कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें ब्राइटनेस घुसा दी गई है अंदर, ये देखें जरा ब्राइटनेस है, ऑटो ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। वॉइस चेंजिंग में कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई। हाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की है, पहले इंस्टाग्राम फ्लोटिंग विंडो में नहीं खुलता था, ऐसे ही है। सो अब क्या है कि अब आप इंस्टाग्राम भी फ्लोटिंग विंडो में खोल सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट फीचर आई नो राइट नाउ, क्योंकि पहले क्या होता था कि इंस्टाग्राम नहीं खुलता था, रील्स वगैरह नहीं देख सकते थे, लेकिन अब खुल सकता है। अच्छा इसके अलावा आपको दिखाता हूँ, अगर आपने इंस्टाग्राम तो खुला ही खुला हुआ है लेकिन इंस्टाग्राम के अलावा कोई और एप्लीकेशन भी साथ ही खोलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और आपको क्रोम खोल के दिखाता हूँ तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन एक साथ खुल जाती हैं और दोनों एप्लीकेशन को आप साइड टू साइड लगा सकते हो, ये क्रोम जो है वो उस साइड पर लग जाएगा। अच्छा अब इंस्टा को ये देखिए ज़रा, क्रोम जो है वो उस साइड पर लग जाएगा। खैर अभी इंस्टा को मैं ऐसे साइड पर कर दूंगा तो यहाँ पर आइकन आ जाएगा और क्रोम को आप लगा सकते हो आराम से इस साइड पे, ये देखो ज़रा दोनों एप्लीकेशन दोनों साइड पे लग चुकी हैं। अब आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। अच्छा अब आप लोग पूछेंगे कि यार ये चीज़ें कहाँ ज़रूरी होती हैं। बेसिकली जब आप कोई अब गेमिंग कर रहे होते हैं, आप फॉर एग्जांपल मैं गेमिंग कर रहा हूँ और मेरा बंदा मर गया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब उन लोगों की तो बातें नहीं सुन सकता ना दोस्तों वगैरह की, तो आप साइड पर इंस्टाग्राम वगैरह खोल लोगे। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम यूआई है वो आप देख सकते हो किस तरह का है, यहाँ पे आप चीज़ें लगा सकते हो एक्स्ट्रा। अच्छा चीज़ें एक्स्ट्रा लगा के जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एडिट कर सकते हैं फोल्डर्स को। हाँ एक और चीज़ जो कि हमें देखने को मिली है, या अगर सेटिंग में जाएं और उसके बाद मोड में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे अगर इस मोबाइल पे तो नहीं मिली लेकिन जो दूसरे फ़ोन्स हैं उनमें हमें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं जो ऐड कर दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहले सर्चिंग की ऑप्शन नहीं थी लेकिन अब सर्चिंग की ऑप्शन डाल दी गई है, एज अ लाइक आप जैसे आईफोन में इस्तेमाल करते हैं। लेट मी शो यू, आपको इस तरह का सर्च बार जो है देखने को मिल जाएगा MIUI में जो नेक्स्ट अगर आप अपडेट करके देखेंगे। अच्छा अब इस सिक्योरिटी के फीचर को डाउनलोड कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक को ज्वाइन करें या उस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करें तो आपका सिक्योरिटी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सिक्योरिटी का एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको, ये है 8.1.2, बैटरी इज़ परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट है इस सिक्योरिटी वाले में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जाके डाउनलोड करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ TechDawz एंड प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माई अदर चैनल which name is TechDawz Vlogs. Thank you so much. Take care. Bye-bye.